हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली मेरे को ये रिमाइंड करता है आज का वीडियो लॉकडाउन का पीरियड। जब लॉकडाउन में हम लोग थे तो एक बहुत ही फेमस मीम फोन्स पे सर्कुलेट होता था, जब पिटेगा इंडिया तभी सीखेगा इंडिया। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पुलिस किसी पर्सन को मार सकता है, पीट सकता है। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, पुलिस किसी को भी उठा के लेके जाता है, मारता पीटता है। और इनफैक्ट हमने लॉकडाउन में देखा कि बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि पुलिस उनको मार रही है, पीट रही है। तो ये क्या उनके वेल विद इन राइट्स में है, वो कर सकते हैं किसी के साथ, या उनका अधिकार है क्या ऐसा किसी के साथ करने के लिए? तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। और ये आज का वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव ये है कि लोगों को बता सकूँ कि एटलीस्ट पुलिस किसी के ऊपर हाथ उठा सकती है क्या, मारपीट कर सकती है क्या। क्योंकि दो तीन दिन पहले वन ऑफ माई फ्रेंड, वेल एडुकेटेड, वेल अर्निंग, काफ़ी अच्छा अर्न करता है, इज़ वर्किंग विद एन एमएनसी, बट एक जस्ट उस पर एलिगेशन था कि उसने आईफोन किसी का चुरा लिया है। और उसी के चक्कर में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, उसे बहुत मारपीट किया, बहुत मारा पीटा और काफ़ी समय तक उसको जेल में रखा। और जबकि वो ये भी बोल रहा था कि मैंने चोरी नहीं किया है, अगर आपको चाहिए तो मैं फ़ोन के पैसे दे दे रहा हूँ, बट डोंट बीट मी। बट ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, पुलिस हमें मार सकती है क्या, क्या एक्शन ले सकते हैं हम पुलिस के अगेंस्ट अगर पुलिस ऐसा करती है? तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है लोगों में कि पुलिस का राइट है मारने के लिए, पुलिस मार सकती है। और पुलिस भी बोलती है कि अगर कोई गलती करता है तो हम उसे सिखाने के लिए उसे मारते हैं, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करे। तो ये एक्चुअली में पुलिस को राइट है क्या? तो जी नहीं, पुलिस को बिल्कुल राइट नहीं है। रियलिटी ये है कि पुलिस किसी को सिखाती नहीं, किसी को ये कर, किसी को लेसन देने के लिए नहीं मारती। रियलिटी ये है कि पुलिस पेपर वर्क से भागती है, पुलिस पेपर वर्क नहीं करना चाहती, कोर्ट में नहीं जाना चाहती, टेस्टिफाई नहीं करना चाहती, बेसिकली अपने काम से पीछे भागती है। इसके वजह से वो किसी पर्सन को लेके जाती है, अगर अक्यूज्ड है तो उसे लेके जाती है और मारपीट करती है उसके साथ, सो दैट उससे कुछ भी जो भी पुलिस को जानना होता है वो उसे निकलवा सके। दैट इज़ टोटली इलीगल, पुलिस किसी को हर्ट नहीं कर सकती। इवन आईपीसी सेक्शन 23 इंडियन पिनल कोड 1860 में प्रोविज़न है 323, उसके अकॉर्डिंग अगर ग्रीवियस हर्ट करता है पुलिस या फिर कोई भी पर्सन, ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकता, और पुलिस भी उसी कैटेगरी में आती है, पुलिस आपको ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा कुछ करती है तो आप एक्शन ले सकते हैं, पुलिस के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। इवन आईपीसी इंडियन पिनल कोड 325 के अंडर में वो लाइबल है और आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ कि एफआईआर किधर करें? पुलिस के अगेंस्ट आपको पुलिस स्टेशन में ही जाना होगा एफआईआर करने के लिए, और जनरली पुलिस एफआईआर करने से हिचकती है। अगर पुलिस वाले की बात है तो बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना चाहिए, मजिस्ट्रेट को किसी भी टाइम जाके अप्रोच करना चाहिए, उनको कस्टोडियल वायलेंस के बारे में बताना चाहिए। अगर आपको अरेस्ट कर लिए तो अपने एटलीस्ट आपके फैमिली मेंबर्स या फिर अगर किसी आपके नोन को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो आप उनके बिहाफ पे जाके मजिस्ट्रेट को अप्रोच करें, उन्हें कस्टोडियल वायलेंस के बारे में बताएं और एक बेल एप्लीकेशन यानी जमानत का एप्लीकेशन मूव करें। ये एक क्लासिक एग्जांपल हो सकता है हैबियस कॉर्पस का, आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस के लिए फाइल कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज हैबियस कॉर्पस के साथ कि किसी भी स्टेट में हैबियस कॉर्पस का जब आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तो 24 to 48 आवर्स का टाइम लग जाता है, तो ये काफ़ी डिले हो सकता है। बट ऐसे सिचुएशन में माय सजेशन इज़ आप जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उसको अप्रोच करें और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बताएं कि कस्टोडियल वायलेंस के बारे में। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऐसे सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम करता ये है कि पुलिस को तुरंत ऑर्डर देता है कि जिसको भी आपने अरेस्ट किया है उसको मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए। और अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा वायलेंस हुआ है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट तुरंत ही इमीडिएट सस्पेंशन का भी ऑर्डर दे सकता है, इमीडिएट सस्पेंशन फ्रॉम सर्विस, क्रिमिनल चार्जेस भी फ्रेम कर सकता है। और मैं ऐसे सिचुएशन में हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप सिविल सूट फाइल करें डैमेजेस के लिए। डैमेजेस अगर आपके साथ कोई भी मारपीट हुई है तो उसका मॉनेटरी रिलीफ के लिए, उससे पैसे के रूप में कॉम्पनसेशन, जिसे डैमेजेस बोलते हैं टॉर्ट में, तो पैसे के रूप में कॉम्पनसेशन लेने के लिए आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द पुलिस ऑफिशियल्स। और इनफैक्ट सीआरपीसी में भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इनफैक्ट 2 प्रोविजंस हैं कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स आपको
मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए, बट जनरली पुलिस अवॉइड करती है सो दैट उनका वर्कलोड कम हो सके और अपने स्तर पे ही वो इन्फॉर्मेशन लेने का कोशिश करती है अरेस्टेड पर्सन से जिसको अरेस्ट किया है। तो ये सारी डिस्कशंस थे, अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करे तो तुरंत वो डॉक्टर के पास भी आपको ले के जाने के लिए आपको पुलिस को इंसिस्ट करना चाहिए और MLC रिपोर्ट बनवानी चाहिए। जनरली ये होता है सिटीज़ में या फिर किसी भी इनफैक्ट रूरल इंडिया में भी कि पुलिस ऐसे ही डॉक्टर के पास ऐसे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाती है जिधर उसका डॉक्टर से बहुत गुड टर्म्स होता है, अच्छे टर्म्स पे होते हैं, तो डॉक्टर कुछ करता भी नहीं है, डॉक्टर जस्ट एक पेपर पे आपका नाम वगैरह लिख के MLC रिपोर्ट बना देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप डॉक्टर को भी इंसिस्ट करें कि अगर आपने प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बनाया, प्रॉपर MLC नहीं बनाया, तो मैं आपको भी कोर्ट में लेके जा सकता हूँ, आपको भी कोर्ट में लेके जाऊँगा सो दैट डॉक्टर आपके लिए प्रॉपर रिपोर्ट बना सके। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।